बिहार की वो गुफा जिसे अभी तक किसी ने इतना अंदर तक एक्सप्लोर नहीं किया था। कहते हैं कि राजगीर की पहाड़ियों ने अपने अंदर करोड़ों साल पुरानी विरासत छिपा रखी है। इन्हीं में से एक है सप्तपर्णी गुफा, जिसको एक्सप्लोर करने हम लोग पहुंचे। यहाँ से दो रास्ते मिल रहे थे। तो बैठ भी नहीं सकता, तो रेंगना पड़ेगा। छह 700 मीटर अंदर आने के बाद यहाँ पे इस तरह का मिल रहा है। यहाँ से अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भूकंप के कारण बोल्डर्स गिर गए हैं उस रास्ते में। परिनिर्वाण के बाद महाकश्यप ने बुद्ध की संगीति। भैया लोग कहते हैं बिहार में जगह नहीं है, जगह तलाशनी पड़ती है। बिहार में गुफाओं को एक्सप्लोर करने का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर। जी हाँ, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त साहब आपके साथ है। अभी हम लोग राजगीर के ब्रह्म कुंड में हैं और यहीं से पीछे हमारे वैभवगिरी पर्वत है। यहाँ पर कई सारी पर्वत श्रृंखलाएँ आपको मिल जाती हैं, जिसमें से एक है वैभवगिरी पर्वत और इसी पर्वत के ऊपर है सप्तपर्णी गुफा। अशुरा केव हमने एक्सप्लोर किया था इससे पिछले वाले वीडियो में, और अगर बराबर की बात कर लें तो वहाँ पर सातों गुफाओं को हम लोग लगातार दिखाते रहे हैं। वैभवगिरी पर्वत से ही सप्त जल धारा कुंड जो है, गर्म कुंड है, बिल्कुल बिल्कुल धारा आई है, जिसमें से एक ब्रह्म कुंड भी है। ब्रह्म कुंड के अंदर में 7 कुंड है जी। महाकश्यप ने इस जगह पे पहली बौद्ध संगीति की। वही महाकश्यप जो गुरपा में है, गुरपा में है, बिल्कुल महाकश्यप गुरपा, बिल्कुल 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 उस माउंटेन को महाकश्यप माउंटेन, बिल्कुल बिल्कुल। शाम के 5 बजने वाले हैं और अभी सूरज भी जल्दी ढल जाएगा तो रोशनी कम हो जाएगी। हम लोग फटाक से यहाँ से गियर अप होते हैं और निकलते हैं। सारा सामान यहाँ पे रख दिया गया है। तो गाइस ये है वो ब्रह्म कुंड द्वार जिससे होकर के हम लोग जा रहे हैं अभी। ओ भाई ये मंकी है। वैभवगिरी पर्वत पर जाने के लिए आपको ब्रह्म कुंड से होकर के ही जाना पड़ता है। अभी पहुंच गया ब्रह्म कुंड, जहाँ 7 कुंड है, इसी के अंदर 7 कुंड। वही सप्त धारा है जो ब्रह्म कुंड में आपको स्नान करने के लिए मिलती है और यहीं से चल करके ऊपर जाना है हम लोगों को। धाराओं के नाम है, यहाँ पे मार्कंडेय कुंड है, व्यास कुंड है, अनंत ऋषि कुंड है, गंगा यमुना कुंड है, काशी धारा कुंड है, बेंगा कुंड है, सरस्वती कुंड है। ये वाला बोर्ड देख लो आप, सातों के नाम तो मैं भी नहीं जानता था। आदमी के ऊपर 20 से 25 किलो का वजन है भाई, बैग में पूरा सामान और उसके बाद फिर पानी। ब्रह्म कुंड से ऊपर जब चढ़ करके आप आते हैं तो यहाँ पर ये बैठ का मिल जाता है जो आपको नीचे से दिखाई दे रहा होगा। हम लोग अभी वैभवगिरी पर्वत पर हैं और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं चढ़ाई करते हुए। लोग कहते हैं कि बिहार में एडवेंचर करने के लिए जगह नहीं है, घूमने के लिए जगह नहीं है। शायद आपको सही जगह किसी ने बताई नहीं या फिर दिखाई नहीं। हमारे साथ रहिए, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आपको बैठने के लिए, कि बहुत सारे औषधीय प्लांट, छोटे बड़े जीव जंतु भी है यहाँ पे। कहने वाले लोग कहते हैं कि सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है, बट ऐसा नहीं है दोस्त। देख लो आप हालत मेरी, वहाँ पुरुषोत्तम भैया की हालत देख लो आप। यहाँ पे रवि मर रहा है। रवि आर यू ओके? पता नहीं कितनी सीढ़ियां हम लोग चढ़ चुके हैं और हालत हो रही है बहुत खराब, बहुत खराब। सामने और ऊपर जाना है, जाना नहीं। यहाँ पर ऊपर आने के बाद आपको बहुत खूबसूरत खूबसूरत जैन टेंपल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि प्योर मार्बल से बनाए गए हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ से आएगा क्या प्लान मिलता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वैभवगिरी माउंटेन। और यहाँ पे सप्तपर्णी केव्स हैं, 2 केव्स यहाँ पे। रात में इतनी बारिश हुई है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इतनी ज्यादा हालत खराब की, अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कैंप की हालत क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग की थी और सारा कुछ, ये चेयर वेयर सब उठ रहा था। रात बैग वगैरह रखने के लिए इसको यूज किया कि अंदर भी पानी चला गया। हम लोग थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं और उसके बाद फिर दोनों को एक्सप्लोर करने के लिए इसके अंदर चलेंगे। देखते हैं कितना डेप्थ है इसका। बहुत ही जबरदस्त बारिश हुई और अभी भी बारिश हो ही रही है, लेकिन वी ऑल आर गियर अप और हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। पहले हम लोग चलेंगे जो कि कहा गया है कि 3 किलोमीटर लंबी सुरंग। अंदर में एक चैम्बर है जहाँ पे 500 लोगों की बैठने की बौद्ध संगीति हुई थी, 500 बैठे थे बौद्धिस्ट लोग। बिल्कुल, अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं, बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है।
गुफा है जिसको कहा जा रहा है कि ये 3 किलोमीटर लंबी है, और अंदर जाने के बाद एक हॉल मिलता है जैसे पुरुषोत्तम भी बता रहे थे। यहाँ से भी अंदर चलते हम, लाइट ऑन कर लेनी है अपनी क्योंकि अंदर में लाइट का कोई सोर्स नहीं मिलता है। यहाँ से ये गुफा नैरो होती जाती है, खड़ा होने के लिए कहीं जगह नहीं मिलने वाला। ऐसे ही सो करके जाना है, और अभी ऐसे फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं ना कि बैक को आगे कर लेते हैं। सबसे लंबी सुरंग नुमा गुफा है, पैट के रेंग करके ही आपको जाना है। आज का गुफा नहीं, 2 साल पुरानी नेचुरल गुफा है। हाँ। ठीक है, ध्यान रखना है कि आपका सर और आपका घुटना, हाँ, ये दोनों चीज सेफ करके केयरफुल्ली चलना है। हाँ, मेरे साथ पीछे और भी लोग हैं। यहाँ से 2 रास्ते मिल रहे थे, एक रास्ते से पुरुषोत्तम भी गया और एक रास्ते से मैं जा रहा हूँ अभी, और वहाँ पे लाइट का सोर्स मिल रहा है। मैं इधर से आ जाऊँ क्या? ओह माय गुडनेस, अंदर आकर के तो ऐसा लग रहा है भाई कि हम लोग एकदम, मतलब अब तो बैठ भी नहीं सकते, अब तो रेंगना पड़ेगा पूरा। तब भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, रेंग रेंग के चल रहा है भाई। भैया लोग बाहर में थे तो हम लोग साथ में ही चलने के लिए। यहाँ पर आकर के शायद वो हॉल है क्या जहाँ पे लोग बैठ करके मेडिटेशन वगैरह किया करते हुए। ओ भाई, 600-700 मीटर अंदर आने के बाद यहाँ पे इस तरह का मिल रहा है। आप देखो यहाँ पे, अगर आप देखिएगा चारों तरफ से, तो एक रास्ता उधर भी जा रहा है और एक रास्ता उधर भी जा रहा है अंदर साइड में। और यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा सा चैम्बर टाइप का है जहाँ पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं। अभी हम लोग फाइनल जगह पे नहीं है, हम लोगों को और अंदर भी जाना है, और यहाँ पे लगभग 100 व्यक्ति एक साथ बैठ सकते। और एक बार मैं चारों तरफ सर्कल में मैं दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है जो केव्स का वो कैसा है। सप्तपर्णी गुफा एक्सप्लोरेशन आज अपने आप में एक ऐतिहासिक सफर होने वाला है। आगे आने वाले लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उनके लिए गाइड का काम करेगा कि आगे इसके एक्सप्लोरेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये रास्ता देख सकते हैं ना आप, यहाँ से अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जा करके सोना पड़ेगा। अरे सर, ये तो बहुत ही नैरो है। तो ये पूरा का पूरा नैरो पाथ है जहाँ सिर्फ रेंग करके, जैसे रेप्टाइल्स चलते हैं, तो रेंग करके जाना है, और रास्ता भी क्लीन नहीं है, बीच में बोल्डर्स हैं। सर आपके बम पे बैठ, आगे जाकर के वो ब्लॉक है, बहुत डिफिकल्टीज का सामना करने के बाद वो वहाँ पे ऐसे पहुंचे। देखिए आप किस तरह से रोल कर करके वो निकल रहे हैं। तो अंदर में उधर जाने का कोई फायदा नहीं, अंदर पूरा ब्लॉक है क्या? अच्छा, जाने के बाद ये शायद सोन भंडार को जाता होगा। कोशिश की कि आगे बढ़ा जाए इससे रेंगते हुए, परंतु समय के साथ में भूकंप के कारण आगे में बोल्डर्स गिर गए हैं उस रास्ते में, और वो ब्लॉक हो चुका है। और धन्यवाद साहब भाई का, मटर गश्ती चैनल का, कि इस तरह से दुर्गम पहाड़ियों में, इस दुर्गम परिस्थितियों में अपने आप को लेकर के आते हैं। बिहार की वो गुफा जिसे अभी तक किसी ने इतना अंदर तक एक्सप्लोर नहीं किया था, और हम लोग आ चुके हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और हम लोग जिस जगह पर बैठे हैं, इसी जगह पर बैठ करके वो रिचुअल्स किए गए होंगे। परिनिर्वाण के बाद में उनके शिष्य महाकश्यप ने बुद्ध की संगीति की। ये वही हॉल है जिस जगह पे हम लोग हैं। अच्छा भैया, लोग कहते हैं कि बिहार में घूमने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जगह तलाशनी पड़ती है, जिसमें कि एक ये भी प्लेस है। जो लोग भी आते हैं वैभवगिरी पर्वत पर यहाँ पर घूमने के लिए, इन गुफाओं को देखने के लिए, वो या तो बाहर से मेडिटेट करके चले जाते हैं, अंदर नहीं आते इतना दूर तक। लेकिन हम लोग आपको दिखाने के लिए आए। यहाँ पर आने के बाद भी हॉल है और यहाँ पर भी लोग बैठ सकते हैं। आपको रेंग के ही जाना हो, क्योंकि अगर खड़े होंगे तो आपका सर लड़ जाएगा सीधे ऊपर। तो ये सारा अभी देखने के लिए हम लोग पहुंचे हुए थे, और अभी यहाँ से चलते हैं दूसरे गुफा की तरफ। और फाइनली जब आप बाहर निकलते हैं ना, तो फिर आपको ऑक्सीजन फील होता है। कि आपका लिबास बताता है कि आपकी हालत कैसी है। ये देखिए हमारा लिबास, पुरुषोत्तम भैया का व्हाइट शू रेड हो चुका है। वो गुफा थी जिससे हम लोग निकल करके आए, और अभी इस गुफा में जा रहे हैं। गुफा में जैसे ही आप अंदर आते हैं ना, टी शेप मिलता है। एक तो आप अंदर आए थे, और यहाँ पर आकर के ये एक लेफ्ट एक राइट दोनों साइड जा चुकी है। इधर जब आप आइएगा, एक ये अंदर आने के बाद जो लेफ्ट साइड है, ये देखिए बैट्स ऊपर में बैठे हुए, और एक इस साइड में मिल जाता है जो कि बहुत अंदर नहीं है, जा करके यहीं पर एंड हो। गुफा अभी अनंतहीन है। कहने का तात्पर्य है कि इस जगह से हम लोग इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ पे पूजा किया गया है। ये आपको दिखा रहे हैं मेरा लाइट सोर्स जहाँ तक जा रहा है, आप देखेंगे कि अंदर में बढ़ता ही जा रहा है। दूसरी
गुफा थी और इस वाले गुफा से हम लोग का जो सफर है वो एंड होता है। और काफी अच्छा लगा देख करके, समझ करके, जान करके। जब आप चीजों को जानते हैं तब और भी ज्यादा समझ में आता है कि वो कितनी खास है। तो इन सब गुफाओं को आप आइए एक बार देखिए, जरूर विजिट करिए। हम लोग अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स टू पुरुषोत्तम भैया, थैंक्स टू रवि, थैंक्स टू बिहार एडवेंचर कैंप सीरीज में हम लोग लगातार गुफाओं को एक्सप्लोर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।